नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 50i वर्सेस Realme 9i का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Narzo 50i में 6.5 इंच जबकि 9i में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Narzo 50i से कम है। विड्थ की बात करें तो Narzo 50i में 3.01 इंच जबकि 9i में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Narzo 50i से कम है। बात करें थिकनेस की तो Narzo 50i में 0.35 इंच जबकि 9i में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Narzo 50i में 195 ग्राम जबकि 9i में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Narzo 50i में 6.5 इंचेस जबकि 9i में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Narzo 50i में 720x1600 और 9i में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Narzo 50i में 80.82% जबकि 9i में 84.51% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Narzo 50i में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 9i में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Narzo 50i में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और 9i की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Narzo 50i में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 9i की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Narzo 50i में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 9i में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Narzo 50i में पावर GE8322 जबकि 9i में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Narzo 50i में Unisoc SC9863A और 9i में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Narzo 50i में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2GB 4GB की RAM मिलती है जबकि 9i में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Narzo 50i में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 9i में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Narzo 50i में अप टू 256GB जबकि 9i में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Narzo 50i में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 7,499 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 9i की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Realme Narzo 50i में 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 9i की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में 9i आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 30 है, दूसरा Vivo Y20G है, तीसरा Xiaomi Redmi Note 10S है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A16 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।